नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार का है। कहते हैं प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन यही प्यार कभी कभी पूरी जिंदगी की बाजी को लगा देता है। ऐसा ही कुछ सुलक्षणा पंडित के साथ हुआ। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की जानी मानी गायिका और हीरोइन थी, बला की खूबसूरत, जिन पर हर कोई फिदा था। उनके तीखे नैन नक्श, कातिल हंसी, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन कौन जानता था कि इनकी जिंदगी और करियर प्यार के चक्कर में तबाह हो जाएगा। कौन जानता था कि हमेशा ही हंसती और खिलखिलाने वाली ये हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी में खो जाएगी। खुद सुलक्षणा पंडित को भी इस बात का आभास नहीं होगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुलक्षणा पंडित के बारे में बताएंगे। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई साल 1954 छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। 9 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। सुलक्षणा ने साल 1967 में फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया था। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में एक्टिंग के लिए भी ऑफर मिलने लगे। साल 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया। फिल्म में उनके अपोजिट थे संजीव कुमार। गंभीर स्वभाव के संजीव को देखते ही सुलक्षणा को उन पर इश्क हो गया। उस वक्त संजीव का दिल तो हेमा मालिनी पर आया हुआ था। इसके बावजूद सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहने लगी। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था। उनकी और सुलक्षणा की तब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर बात सुलक्षणा से शेयर किया करते थे। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया, लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की जिंदगी उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी, बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। सुलक्षणा की माँ अपनी माँ के साथ मुंबई के फ्लैट पे रहने लगी और माँ के साथ रहते हुए उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो डिप्रेशन में चली गई। साल 1985 में जब संजीव कुमार की मौत हुई तो सुलक्षणा सदमे में चली गई। कहते हैं सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और वो किसी को पहचानती भी नहीं थी। इसका खुलासा खुद सुलक्षणा ने साल 1999 के एक इंटरव्यू में दिया था। तब सुलक्षणा ने कहा था कि संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को ख़त्म कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी अपनी जिंदगी को जिए जा रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, ताकि मैं जिंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। पेरेंट्स के गुजरने के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के साथ ही रहने लगी। इश्क क्या कहना करवाए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।